दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे वुडन फ्लोरिंग को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, वुडन फ्लोरिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके डायमेंशन क्या क्या होते हैं और उसका रेट क्या होता है। दोस्तों, फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वुडन फ्लोरिंग की बात करें तो बेसिकली वुडन फ्लोरिंग के अंदर तीन टाइप्स के वुडन फ्लोरिंग आते हैं। एक आता है हार्डवुड, आता है जो नेचुरल पाइन ट्री होता है उससे बनता है, पाइन ट्री और ओक ट्री जैसे ट्री होते हैं उससे बनता है। दूसरा आता है इंजीनियर्ड वुड, जिसको कहते हैं इंजीनियर्ड वुड जो होता है उसके अंदर अलग अलग ट्रीज के लेयर को एक साथ मिला के बनाते हैं, लाइक अ प्लाईवुड। आपने प्लाईवुड देखा होगा, उसके जैसा ही होता है, जिसको कहते हैं इंजीनियर्ड वुड। और तीसरा आता है लेमिनेट वुड। लेमिनेट वुड है वो टोटली सिंथेटिक मटेरियल है। सिंथेटिक मटेरियल यानी कि आर्टिफिशियल मटेरियल है इस तरीके का, जैसा कि आप देख रहे हो आजकल मार्केट के अंदर वुडन फ्लोरिंग के लिए सिंथेटिक जो मटेरियल है यानी कि लेमिनेट वुड है वही सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर यूज होता है। तो दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे कि लेमिनेट वुड है वो किस तरीके से इंस्टॉल होता है। दोस्तों, जब आप वुडन फ्लोरिंग मार्केट में से मंगवाते हो तो इस तरीके से पैकेजिंग में वुडन फ्लोरिंग आता है, जिसको आपको अनबॉक्स करना रहता है। सबसे पहले तो दोस्तों, पहले तो देखना है कि सरफेस एरिया कितना है जहाँ पे आप इस वुडन फ्लोरिंग को इंस्टॉल करना चाहते हो, उसका मेजरमेंट लेके हो सकता है उसको वुडन फ्लोरिंग को आपको कट करना पड़े। तो कट करने के लिए इस तरीके का ड्रिल मार्केट के अंदर मिलता है, इजी टू कट है। आप थिन लेयर आता है वुडन फ्लोरिंग का, तो आप इजीली आसानी से कट कर सकते हो इसको इस तरीके से, जैसे कि हमने दिखाया है इस वीडियो के अंदर इस तरीके से कट करना है तो इजीली इंस्टॉल होता है। बाद में बेस के अंदर आपको किनी फोम का लेयर रखना पड़ेगा इस तरीके का। दोस्तों, इसके अंदर जो बेस में किनी फोम लगता है, अगर उसकी थिकनेस की बात करें तो 1.5 mm से लेके 2 mm का ज़्यादातर लगता है मार्केट के अंदर। और इसका जो रेट देखें तो पर मीटर का इसका जो रेट है वो 30 rupees के आसपास रहता है, तो इतना चीप है, बहुत कॉस्टली नहीं है ये। मार्केट में आपको इजीली अवेलेबिलिटी में मिल जाएगा मार्केट में, अगर आप फर्निशिंग स्टोर में जाओगे या हार्डवेयर स्टोर में भी ये मिलता है तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। तो बेस के अंदर किनी फोम रखने का एक ही रीज़न है कि बेस से नीचे से मॉइस्चर वगैरह ना आए और थोड़ा जो इफ़ेक्ट है इसका वुडन फ्लोरिंग का, थोड़ा स्प्रिंगी इफ़ेक्ट आपको मिले। तो यही रीज़न है कि बेस के अंदर लो थिकनेस का किनी फोम रखते हैं। तो इस तरीके से आपको किनी फोम रखना है बेस के अंदर। दोस्तों, इस तरीके का जो ईपी फोम है या तो फिर किनी फोम है वो बेस में रखने का एक ही रीज़न है कि जब आप इसको इंस्टॉल करते हो इसके ऊपर वुडन फ्लोरिंग को, तो इसका जो पकड़ है वो प्रॉपर रहता है। और जब आप इसके ऊपर चलते हो वुडन फ्लोरिंग के ऊपर, तो हो सकता है अगर किनी फोम ना हो तो बेस के अंदर थोड़ी आवाज़ जनरेट हो जब आप चलते हो तब, मगर इस तरीके का किनी फोम रखते हैं तो जब आप वुडन फ्लोरिंग के ऊपर चलोगे तो वो आवाज़ वगैरह नहीं करेगा। दोस्तों, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। इसके अंदर ग्रू वगैरह आते हैं जो लॉकिंग सिस्टम भी इसको कहते हैं, तो इसको सिंपली जो ग्रू है उसके अंदर इसको फिट कर देना है। फिट करने के बाद जब आप इसको हैमर के थ्रू थोड़ा पुश करोगे तो वो आराम से लॉक हो जाएगा, और उसके बीच में दो जो प्लैंक्स है उसके बीच में तो गैप भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो, आप अपने आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको कारीगर वगैरह नहीं रखना है, अपने आप इंस्टॉल करना है, तो भी आप इस तरीके का जो लेमिनेट वुड फ्लोरिंग आता है वो आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि इसके अंदर आपको दिख रहा है कि हैमर के थ्रू इसको पुश कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे आप इस तरीके से पुश करोगे हैमर के थ्रू तो जो लॉकिंग सिस्टम है वो लॉक हो जाएगा और दो प्लैंक्स है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसका। दोस्तों, वुडन फ्लोरिंग को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा कट्स वगैरह नहीं लगते। अगर कट्स आता भी है तो भी आप इजीली आप इसको कट कर सकते हो। इतना इजी कट्स है, आराम से हैक्सो वगैरह लेके आप इसको कट कर सकते हो। इसके अंदर ग्लू या एसआर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि कुछ भी चिपकाने की ज़रूरत इसके अंदर पड़ती नहीं है। इंटरलॉक सिस्टम वाला पूरा वुडन फ्लोरिंग होता है तो ईजीली इंस्टॉल हो जाता है। दोस्तों, अगर हार्डवुड फ्लोरिंग की कंपैरिजन करें लेमिनेट्स फ्लोरिंग के साथ, तो इसके अंदर पहले तो जो कॉस्टिंग है वो कम आता है,
दूसरा के जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो बाद में जो वेस्टेज मटेरियल निकलता है वो भी इसके अंदर बहुत ही लेस वेस्टेज निकलता है कंपेयर टू हार्डवुड। तो इस तरीके से देखें तो कॉस्टिंग वाइज भी ये कम कॉस्टिंग के अंदर पड़ता है। दोस्तों मार्बल या टाइल्स की कंपैरिजन में, मार्बल और टाइल्स का जो फ्लोरिंग होता है उसकी अगर कंपैरिजन में देखें वुडन फ्लोरिंग को, तो इसका एक बेनिफिट ये भी रहता है कि अगर चाइल्ड पेट्स वगैरह है तो अगर इसके ऊपर गिरते हैं तो इसके ऊपर मेजर इंजरीज आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है तो वो थोड़ा स्पॉन्जी इफेक्ट रहता है कंपेयर टू हार्ड रॉक जो टाइल्स आते हैं और मार्बल्स वगैरह आता है उसकी कंपेरिजन में। तो अगर सेफ्टी वाइज देखें तो भी इस तरीके का फ्लोरिंग बेटर रहता है। दोस्तों अगर वुडन फ्लोरिंग किया है, हार्डवुड का जो वुडन फ्लोरिंग आता है वो, उसको आप रिफर्बिश कर सकते हो, मगर इस तरीके का जो लेमिनेट वुडन फ्लोरिंग आता है उसको आप रिफर्बिश करना मुश्किल रहता है, इसको रिफर्बिश नहीं कर सकते। मगर जब आप इसको परचेस करते हो, ये जो प्लैंक्स वगैरह आते हैं इसका वो आप परचेस करते हो, तब आपको क्या करना है, थोड़े प्लैंक्स ज़्यादा परचेस कर लेने हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई जो वुडन का प्लैंक्स है वो बिगड़ जाता है, इसके अंदर कुछ भी मतलब वेदर का इफेक्ट आ जाता है या कुछ भी स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं, तो इसको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्लैंक्स पड़े हुए हैं तो इन फ्यूचर प्लैंक्स बदलने के लिए आपको जब आप परचेस करते हो तो थोड़े प्लैंक्स ज़्यादा परचेस कर लेने हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको रिप्लेस करना इजी पड़े। दोस्तों लेमिनेट वुडन जो फ्लोरिंग आता है उसके ऊपर स्टेन्स या स्क्रेचिस वगैरह कम रहता है एज़ कम्पेयर टू हार्डवुड जो फ्लोरिंग आता है उसकी कंपेरिजन में। दोस्तों अगर इसकी साइज़ की बात करें तो रनिंग जो साइज है इसका थिकनेस वाइज अगर देखें तो 8 mm से लेकर 12 mm तक मार्केट के अंदर मिल जाता, अलग अलग कंपनी वाइज भी थिकनेस या साइज़ वगैरह अलग अलग कंपनी बनाती है, तो उसके हिसाब से भी साइज़ डिफरेंस रहता है। मगर अगर रनिंग साइज़ की देखें तो विथ और हाइट के हिसाब से देखें तो 48 inch by 4 inch का प्लैंक्स मिलता है मार्केट के अंदर, दूसरा आता है 48 inch by 7 inch का प्लैंक्स भी मार्केट के अंदर मिलता है वुडन फ्लोरिंग का। तो इस तरीके की साइज़ में मार्केट के अंदर अवेलेबल रहता है, मगर जो अलग अलग कंपनी रहती है उसके हिसाब से थोड़ा साइज़ वगैरह वेरिएशन रहता ही रहता है। दोस्तों जहाँ पे वुडन फ्लोरिंग का बॉर्डर आता है वहाँ पे इस तरीके का स्कर्टिंग लगता है, ये अलग टाइप की एसेसरीज है। जहाँ पे स्लोप देना हो वहाँ पे भी इस तरीके का स्कर्टिंग यूज़ होता है। तो एट द एंड जहाँ पे वुडन फ्लोरिंग का एंड आता है, जहाँ पे कंप्लीट होती है, अगर कोई ग्लास वगैरह आता है वुडन फ्लोरिंग जहाँ पे कंप्लीट होता है वहाँ पे अगर ग्लास आता है तो वहाँ पे भी इस तरीके की एसेसरीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसको फिटिंग करने के लिए पहले तो जो कील आती है उसे एक निशान बनाना पड़ता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। निशान बनाने के बाद वहाँ पे इस तरीके की ड्रिल से थोड़ा होल करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हो। बाद में वो जो बड़ी वाली पट्टी थी जिसको स्कर्टिंग कहते हैं वो रख के उसके ऊपर कील लगा के उसको फिक्स करना होता है, ताकि आफ्टर जो फिनिशिंग है, जो लुक है, वो आपको अल्टीमेट मिले वुडन फ्लोरिंग का। कॉस्टिंग वाइज कि इसकी कॉस्टिंग क्या रहती है, तो डिपेंड्स ऑन क्वालिटी के ऊपर डिपेंड्स करेगा कि कॉस्टिंग क्या होगी। मगर अप्रोक्स अगर कॉस्टिंग की बात करें तो अगर आप हार्डवुड लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 650 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, अप टू 5000 रुपीज पर स्क्वायर फुट तक का हार्डवुड मार्केट के अंदर मिलता है वुडन फ्लोरिंग के लिए। अगर आप इसके अंदर इंजीनियर्ड वुड लेते हैं, इंजीनियर्ड वुड की अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट उसका जो कॉस्टिंग है वो 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेके अप टू 900 रुपीज पर स्क्वायर फुट तक की रेंज में आपको इंजीनियर वुडन फ्लोरिंग के लिए मार्केट के अंदर मिल जाएगा। वो रेट होता है वो डिपेंड्स ऑन क्वालिटी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वेराइटी ऑफ क्वालिटीज मिलती है मार्केट के अंदर, अलग अलग कंपनीज भी बहुत है जो इस तरीके का मटेरियल्स बनाती है। जो तीसरा टाइप से लेमिनेट वुड की कॉस्टिंग की अगर बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग पर स्क्वायर फुट का अमाउंट है वो 120 रुपीज पर स्क्वायर फुट से लेके ऑलमोस्ट 1200 रुपीज पर स्क्वायर फुट तक मार्केट के अंदर मिलता है। हालांकि लेमिनेट वुड सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होता है, हाईली ड्यूरेबल है और इजी टू इंस्टॉल है, यही रीजन है कि लेमिनेट वुड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है मार्केट में आजकल।